मारवी अमान, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ प्रोटेक्शन सेंटर एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। आज यहाँ पर रीबॉर्न 2 के सेशन में एज ए स्पीकर मैंने शिरकत की है और नौजवानों से बात की है, उनको वो होप देने की कोशिश की है, वो उम्मीद की किरण देने की कोशिश की है, जो कि उनको आने वाले हर चैलेंजेस में बहुत ही मजबूती से उनका मुकाबला करने के लिए हिम्मत दे। आपके अंदर विल मौजूद होती है जो कि आपको आगे बढ़ते रहने के लिए मोटिवेट करती है। आपको आपके हर आने वाले कल में अपने आप को बेहतर करना है, आपको खुद एनालिसिस करना है कि आप कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं। आपको अपने एंगर मैनेजमेंट के हवाले से, आपको अपने अपने ह्यूमैनिटी के जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करनी है, उस जज्बे को बढ़ाते हुए आगे बढ़ना है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को, अपने आसपास रहने वालों की ज़िंदगी को और अपने मुल्क को बेहतर कर पाएँ आने वाले मुस्तकबिल में, आने वाले वक्त में। और जितनी ज़्यादा मोटिवेशन और उम्मीद होगी हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे नौजवानों को, वो हमारे मुल्क की तरक्की में, बेहतरी में और ज़्यादा हिस्सा दे पाएंगे। हम देख रहे हैं इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, हम देख रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हम देख रहे हैं कि इतने अच्छे लीडर्स हमें नहीं मिल रहे हैं। तो हमारे ये नौजवान ही हैं जो कल हमारे लीडर बनेंगे, और जितने ज़्यादा ये मजबूती से चैलेंजेस का मुकाबला करना सीखेंगे, उतना ज़्यादा ये अपने अपने ज़िंदगियों के जहाँ पर भी लीडर बनेंगे उसको एक्सेल करेंगे और बेहतर तरीके से आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए उम्मीद की किरण, बेहतरी, तरक्की, प्रॉस्पेरिटी मुल्क के अंदर और अपनी ज़िंदगियों में लेकर आएंगे। ओके। पार्टनर्स के साथ ईसा लेबॉरेटरी इज़ आल्सो अ पार्टनर फॉर दिस इवेंट, सो दे आर आल्सो डूइंग गुड। इट्स अ गुड थिंग टू पार्टिसिपेटिंग इन एवरी इवेंट हैपनिंग इन हैदराबाद, सो कीप इट अप। इसी स्प्रिट के साथ गुड लक।